आपको उनको आशीर्वाद देना है। आप सब सम्भ्रांत लोग हैं, शिक्षित हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। आपके सामने कुछ भी कहना ऐसा है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। मैं तो यही कहूंगा, अपील करूंगा आपसे कि जो हमने विकास कार्य कराए वो सब आपके सामने है। मैं 2012 में जब विधायक बना इस क्षेत्र से, तो उससे पहले किसी विधायक ने हमारे सम्मानित पर्वतीय मूल के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया था। मैंने आपके उत्थान को अपना धर्म मान करके उस चीज को मैं आगे लाया। कहीं ना कहीं मेरी दादी जी जो गढ़वाल से थी, नैनसडाउन से, सीमार खाल गांव पौड़ी का, उनका कहीं ना कहीं नाता मेरा आपसे खून का रिश्ता था। उसने खून में खून को खींचा, आपके प्रति मेरा समर्पण बढ़ा और मैंने सम्मान सहित आपके लिए कार्य किया। आज अपनी निशम जी, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा। सभी से जितने भाई बहन बैठे हैं, टेलीविजन पर मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था उत्तराखंड के विषय में। मैंने उसके बारे में 2 वर्ष पहले खेत व्यक्त किया था, लेकिन आज मैं अपने सम्मानित पर्वतीय क्षेत्र की जनता के सामने, अपने हिमालय पुत्र डॉक्टर निशंक जी के सामने मैं खेत जताता हूं और मैं आपसे सॉरी मांगता हूं कि उस समय की जो बात हुई है मुझे माफ करने का कष्ट है। आपका बेटा हूं, आपका भतीजा हूं, मेरे अंदर भी बाढ़ का खून है और हमेशा आपके लिए समर्पित रहूंगा। मेरी धर्मपत्नी का चुनाव है, आप उनको आशीर्वाद दें। जो भाई और बहन नाराज हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा और बच्चे को माफी की जाती है, उससे बड़े हैं आप। मैं यही कहना चाहता हूँ आशीर्वाद आज बहुत जरूरी है। जो धर्म और अधर्म का युद्ध यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काले धन की कैसे यहाँ पे चल रही है। उन काले धन वालों को रोकना होगा, यहाँ पे सुशासन लाना होगा भारतीय जनता पार्टी का, और ये धर्म युद्ध में आप सब साथ हैं। अब तक जो भाई और बहन हमारे बड़े लोग जो नहीं आ पाए थे, उनसे विनम्र निवेदन करबद्ध करूंगा, कृपया चुनाव में आए, सबको मुतासर करें, सबको एक साथ लाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।